स्टूडेंट्स करके बता दे मुझे वॉइस क्लियर आ रही है सब बच्चों को ओके okay. कल का होमवर्क के लिए जो आपको क्वेश्चन सेंड किया गया था सिर्फ मुझे 18 या 19 बच्चों ने उसका आंसर सेंड किया बाकी बच्चों ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया उसका आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है काइंडली उस क्वेश्चन को परफॉर्म करके उसका आंसर ग्रुप में शेयर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप घर में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी कुछे बेटा तो पहले से था था वो वॉइस के लिए किया था। ओके, ओके। कल का जो क्वेश्चन है मैंने आंसर जितने बच्चों ने शेयर किया मोस्टली 80 परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था इसलिए हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मैं ले लूंगा बेसिक सैलरी उसकी दो लाख सैलरी थी दो लाख मल्टीपाई टे चौबीस लाख उसकी बेसिक सैलरी ले लू फिक्स मेडिकल अलाउंस था चार लाख रुपए का हमने पढ़ा अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस हो तो उसमें एक्समिशन अलाउ होती है टेन परसेंट अपन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी हमारे पास चौबीस लाख थी उसका दस परसेंट लिया दो लाख चालीस हजार आ गया तो इतनी अमाउंट चार लाख में से दो सौ दो लाख चालीस हजार रुपया एक लाख साठ हजार बच्चा है वो हमारा क्या होगा टैक्सेबल इनकम में एड हो जाएगा कार जो दी गई थी ऑफिस यूज प्लस ऑफिस यूज के लिए थी कार और साथ पर्सनल यूज के लिए बहुत पर्पसिस के लिए दी थी और नंबर वन अगर बहुत के लिए दी है तो हमने क्या लेना है फाइव परसेंट फाइव परसेंट लेना था लेकिन फाइव परसेंट किसका लेना है कोर्स का लेना है या फेयर मार्केट वैल्यू का क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा जो थी ये बताई गई थी ये जो कार है उसने लीज पर ली है अगर कार लीज पर ली जाती है तो उस सूरत में हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं किस डेट की जिस डेट की लीज है क्वेश्चन के अंदर दो तीन तरह की आपको वैल्यूज दी गई थी एक फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ लीज दी गई थी एक फेयर मार्केट वैल्यू दी थी जो उसने रेंट पे किया हमने कहा ये आपको दो तीन चार किस्म की वैल्यूज देगा कंफ्यूज करने के लिए लेकिन हमने कौन सी वैल्यू लेनी है सिर्फ वो वैल्यू फेयर वैल्यू लेनी है जो एट द डेट या कमेंसमेंट ऑफ लीज है उसका पांच परसेंट हम लेंगे जो कि इस केस के अंदर था बेटा हमारी अठारह लाख रुपए जो दो बीस लाख और बाईस लाख है वो हमारे लिए इनरेवेंट है।, है जिसके अंदर ऑफिस भी है और पर्सनल भी है जो ऑफिस वाला यूज होगा वो तो फ्यूल हमारा हमारे लिए बेनिफिट नहीं है तो इसलिए उसने क्या किया पच्चीस हजार मल्टीप्लाई बाय बारह कर दिया ये टोटल फ्यूल अलाउंस आ गया और उसमें से जो फिफ्टी परसेंट था

तो अकोमोडेशन के लिए हम क्या करेंगे नंबर वन फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ एम या बेसिक सैलरी अब इस क्वेश्चन के अंदर एम उसने नहीं दिया था तो इसका मतलब क्या है हमने फोर्टी फाइव परसेंट नहीं लेना किसका लेना था बेसिक सैलरी जो के है इस क्वेश्चन में दो लाख चौबीस लाख रुपया चौबीस लाख का हम क्या करेंगे बेटा 45% ले लेंगे वो आ जाएगा दस लाख अस्सी हजार रुपए और इसको कंपैरिजन किससे करना था नंबर टू पॉइंट क्या था उसकी फेयर वैल्यू या वो अमाउंट अगर वो इस अकोमोडेशन को ना लेता तो इंप्लायर उसको देता उस सूरत में उसने बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर अगर उसको accommodation ना दी जाती बेसिक तो इसका मतलब 40 of क्या आ जाएगा हमारा चौबीस लाख वो बन जाता है बच्चे हमारा नौ लाख साठ हजार और हमने इसमें से क्या लेना था हायर हायर दस लाख अस्सी हजार है तो इसलिए हमारा वो अकोमोडेशन के अंदर एड हो गया सर्विस ऑफ सिक्योरिटी दी गई है सर्विस ऑफ सिक्योरिटी हमारे कुछ पैसे भी कटने थे अठारह हजार पर मंथ इसका मतलब टोटल जो हमारी अमाउंट पे हुई है अठारह हजार मल्टीप्लाय ट्वेल्व ये टोटल पेड बाय द एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर ने इसके अगेंस्ट हमारे कुछ पैसे डिडक्ट किए हैं वो है टेन थाउजेंड पर मंथ के हिसाब से तो टेन वो बन जाएगा रियम्बर्समेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई भी लेबिलिटी जो इंप्लाई की टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दी जाएगी इसलिए उसने पच्चीस हजार मल्टीप्लाई बाय नाइन करके टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया वो हमने ट्रेवलिंग की हमने ट्रिप की बात की थी अगर तो बिजनेस ऑफिस ट्रिप के लिए जाता है तो नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम लेकिन अगर वो पर्सनल नेचर के लिए जाता है या अपनी किसी पार्टी के लिए जाता है खुद पर्सनल जो इसमें बिजनेस का काम नहीं है तो अगर उस सूरत में कोई भी चीज ऑफिस वालों ने इम्प्लॉयर ने पे की है तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम में एड होगी वो बेल्जियम गया बीजिंग गया था चाइना के अंदर इसलिए न्यू ईयर ईव के लिए मतलब एक इवेंट अटेंड करने गया था जो कि बिजनेस परपज इवेंट नहीं था इस सूरत में उसकी जो टिकट की फीस है वो क्या बन जाएगी उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी और लास्ट कमीशन कमीशन सैलरी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है एनी कमीशन अर्न बाय द एम्प्लॉय तो वो उसकी सैलरी में ऐड होता है इसमें एक सबसे अहम चीज जो कमीशन है ये चीज में रखे अगर कमीशन एम्प्लॉयर से मिला है अगर कमीशन इंप्लॉयर से मिला है मतलब इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को दिया है कोई काम करने तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा अगर कमीशन अदर दर इंप्लायर ने दिया है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा और जब नेक्स्ट जाके जाकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या कोई और चीज पढ़ेंगे उसके अंदर जाएगा इसलिए यहां बात क्लियर कर दी जाए जो कमीशन है अगर इंप्लॉयर ने दिया है कमीशन दिया है इंप्लॉयर ने तो फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में आना एम्प्लॉय ने दिया है एम्प्लॉय को उस सूरत में आना इनकम फॉर्म सैलरी में अदरवाइज वो इनकम फॉर्म सैलरी में नहीं आएगा तो टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी हमारी कैलकुलेट होगी अब यहाँ पर जिस अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो हैंड इस कर जी आतिक नहीं जी आती बेटा जी सर अ, सर मैंने पूछना था ये जो मेडिकल अलाउंस की बात की है ना तो देखिए वो कह रहे हैं जैसे ये लिखा हुआ BPL paid him fixed medical cost. हम इसको इसको क्यों कह हैं ये तो मैं उसने उसने किया किया नहीं देखिए जो भी होते है, हमने जो बात की थी कल इन एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर बेटा दो चीजें थी उसके देखिए मेडिकल के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी है मेडिकल के अंदर एक हमने पढ़ी है अलाउंस का याद है जब मैंने अलाउंस को डिस्कस किया था मैंने कहा अलाउंस है, है? है? दूसरी है मेडिकल फैसिलिटी ठीक है या रि एम्बर्समेंट या रि एम्बर्समेंट ठीक है रियम्बर्समेंट क्या है मैं बीमार हुआ हॉस्पिटल गया हॉस्पिटल मैंने मैंने अपने पर्सनल किए मैं ठीक हो के, गया ऑफिस आ वो बिल संभाल के रखे मैंने आके कहा ऑफिस वाला को ये मैं बीमार हुआ था ये बिल ले ले और उसके अगेंस्ट मुझे पे कर दे दैट इज रियम्बर्समेंट ठीक है मेडिकल फैसिलिटी क्या है मैं बीमार था हॉस्पिटल गया वहां अपना इलाज कराया और कोई पैसे नहीं दिए

अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर उसने बता दिया कि दस हजार काटने के बाद दो लाख रुपए आए अगर क्वेश्चन में होता जो कि नहीं। फिर उस सुरत में हमारी बेसिक सैलरी दो लाख नहीं होनी थी कितनी होनी और किसी बच्चे का क्वेश्चन यहाँ था जी अहमद जमाल पूछे बेटा सर ये जो मेडिकल समझ नहीं आया क्या पॉइंट आपका पूछे बेटा किस? यही कि उसका तो उसने फिक्स हमें दिया हुआ था। अच्छा, uh, reimbursement, reimbursement में नहीं आपको पता। जो कल मेडिकल अलाउंसिस पढ़ा था मेडिकल अलाउंस ठीक है हमने मेडिकल अलाउंस पढ़ा था अगर अलाउंस इन फॉर्म ऑफ कैश होता है इन फॉर्म ऑफ कैश हमने अब तक जितने भी पढ़े पहले हमने यही कहा, जो भी है, सारे, सारे है याद आया आपको हमने कल ये भी डिस्कस किया जो मेडिकल अलाउंस है मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या इन फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा और वो फिक्स अमाउंट मिलेगी फिक्स अमाउंट रात किया मे भी दस हजार पर मंथ हो सकता है या फिक्स चार लाख एक साल का मिलेगा बात किया दैट इज अलाउंस ठीक है ये भी सारे का सारा टैक्सेबल है ये भी सारे का सारा क्या है टैक्सेबल जो अलाउंस है वो सारे का सारा क्या है टैक्सेबल लेकिन इसके अंदर क्या है उसने एक हमें ऑप्शन दे दी ऑप्शन के अंदर क्या कहा कि जो मेडिकल अलाउंस है सारे का सारा टैक्सेबल है लेकिन यहाँ इंप्लाई को बेनिफिट देने के लिए टैक्स वालों ने क्या कहा जो भी आपको मेडिकल अलाउंस होगा वो जितनी अमाउंट मिलेगी अप अपन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी एक्सेप्ट होगी और उससे ज्यादा अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल ये ला ने एक रूल डिफाइन कर दिया ला ने क्या कर दिया एक रूल डिफाइन कर दिया इसका मतलब क्या हुआ अगर मुझे लेट चार लाख रुपया मिलेगी अमाउंट फिक्स अमाउंट मिलेगी तो है तो ये इन फॉर्म ऑफ कैश मिला है फिक्स अमाउंट है क्या बन गया ये अलाउंस अगर अलाउंस है तो टैक्सेबल है इसलिए मैंने लिखा चार अलाउंस जो मुझे इनफॉर्म ऑफ कैश मिला और इसमें से लेस क्या कर दिया जो टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी मतलब इतनी अमाउंट मुझे अलाउ हुआ एग्जेक्ट है वो कितना बना मेरा टेन परसेंट बेसिक सैलरी दो लाख चालीस हजार बाकी क्या बच गया एक लाख जो साठ हजार है दैट इज माई बेनिफिट ये मेरा टैक्सेबल इनकम में एड होना चाहिए मैं मेडिकल अलाउंस की बात कर रहा हूँ मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है मेडिकल फैसिलिटी होती है बच्चे मेडिकल फैसिलिटी के अंदर कंपनी वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं देने मैं बीमार हुआ हॉस्पिटल गया मैं हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करवाया सही हो गया मेरे बिल कंपनी वालों ने पे किए जो भी बना मुझसे उससे कोई गर्ज नहीं मैं वापस आ गया देट इज मेडिकल फैसिलिटी ठीक है या yeah, रियम्बर्समेंट क्या है रियम्बर्समेंट ये है मैं बीमार हुआ हॉस्पिटल गया मेरा एक लाख का बिल बना मैं ऑफिस वापस आया मैंने एक लाख रुपया दिया ऑफिस वालों ने वो बिल दिया ऑफिस वालों ने एक लाख दे दिया फिर चार माह के बाद मैं फिर बीमार हुआ फिर मैं गया मेरा पचास हजार का बिल बना मैंने आके ऑफिस वालों को पचास हजार दिया ऑफिस वालों ने पचास हजार वो मुझे वापस कर दिया बिल दैट इज रीएमबर्समेंट इसलिए कहते हैं मेडिकल फेसिलिटी प्लस रियम्बर्स इसमें देखे कोई आपको मंथली या एनुअली एक फिक्स अमाउंट नहीं मिलती जित, जिस तरह आपका वो एक्सपेंस हो रहा है उस तरह वो आपको रियम्बर्स मिलता है बीमार मिलनी, मिलनी हो या ना हो तो वो हमारा सारा का सारा टैक्सेबल है लेकिन उसके अंदर एक्जम्पन अवेलेबल है कितनी एग्जम्पन है टेन परसेंट ऑफ द बेसिक सैलरी बात क्लियर होगी ये दोनों सेपरेट सेपरेट है अगर ये सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिलेगा तो फिर लगेगी टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी अगर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी प्लस रीएम्बर्समेंट है इसके अंदर दो कंडीशन है बेटे मेडिकल अलाउंस प्लस रीएम्बर्समेंट इसके अंदर मेडिकल अलाउंस और रीएम्बर्स के लिए है सॉरी मेडिकल अलाउंस कहते हैं रीएम्बर्समेंट और फैसिलिटी के लिए फैसिलिटी प्लस रीएम्बर्समेंट इसके लिए दो है इन अकॉर्डेंस विथ टर्म ऑफ इंप्लॉयमेंट या नॉट इन अकॉर्डेंस या नॉट इन अकॉर्डेंस ठीक है अगर तो इन अकॉर्डेंस विदर्म ऑफ इंप्लॉयमेंट है मतलब उन्होंने हमारी इंप्लॉयमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी तो मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी एग्जाम ठीक है और अगर नॉट सॉरी बेटा ये मैं गलत साइड पे लिख दिया ये इधर आएगा क्या होगी एग्जाम अगर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फिर मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी टैक्स है बात के लिए अब इसको मैं एक दोबारा एक्सप्लेन मेडिकल लोन सेपरेट है मेडिकल फैसिलिटी और रिएम्बर्समेंट सेपरेट है अगर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल अलाउंस मेरा फिक्स

प्लस मेडिकल फैसिलिटी भी मिली है मेडिकल फैसिलिटी के अंदर रियम्बर्समेंट भी आती है ये दोनों आपको मिल रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी विल टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक केस ये हो गया एक केस क्या हो गया मेडिकल अलाउंस भी, भी मिलता है आपको प्लस मेडिकल फेसिलिटी मिली है नॉट इन टर्म ऑफ एम्प्लॉय पहले किए मतलब में इंप्लाई को एक चीज मिली है मेडिकल अलाउंस मिल रहा है या मेडिकल फैसिलिटी मिली उस सूरत में वो ट्रीटमेंट हमने पा लिया अब क्या आ गया अब कंबाइन मिल रहा है मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फेसिलिटी भी मिल अगर तो मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फेसिलिटी दोनों मिली है मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उस सूरत में क्या होगा हमारा जो मेडिकल अलाउंस है ये सारे का सारा हो जाएगा एग्जेम्प्ट सॉरी मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस सारे का सारा हो जाएगा टेक्सेबल अगर दोनों चीजें एट द सेम टाइम मिली है तो उस सूरत में क्या होगा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा यहां पर जब कंबो में मिलेगा तो वो टेन परसेंट वाली बेसिक सैलि अवेलेबल नहीं होगी सारे का सारा अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा वहां मेडिकल फैसिलिटी सारे की सारी एक्सम हो जाएगी अगर इन टर्म्स ऑफ द अब इसी में कम्बो में दूसरा केस क्या है मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है और मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है लेकिन नॉट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उस सूरत में बेटा हम क्या करेंगे ये जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है ये सारे की सारी हो जाएगी टैक्सेबल ठीक है और जो मेडिकल अलाउंस है इस पर ये हो जाएगा टैक्सेबल लेकिन अब इसके अंदर वो टेन परसेंट वाली जो बेसिक टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी वाली exemption है वो अवेलेबल है अब बेटा बताए पॉइंट क्लियर हुए आपके यस yes, सर किसी और बच्चे का मेडिकल अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का

2015 के बाद पहले क्या होता था आपका एनटीएन नंबर डिफरेंट होता था सीएनआईसी सीएनआईसी नंबर डिफरेंट क्या है आपका नेशनल आइडेंटिकल नंबर जो आपको हम आईडी कार्ड नंबर देते लेकिन 2015 के बाद अगर कोई बंदा अपने आप को एफबीआर के अंदर रजिस्टर कराता है जैसे मैं ही रजिस्टर्ड कराऊंगा तो मेरा जो एन नंबर है वो सीएनआईसी नंबर ही होगा मतलब ये उन्होंने उसके बाद चेंज कर दिया तो उस सूरत में कह रहा है अगर किसी प्रैक्टिशनर का एन नंबर सीएनआईसी नंबर ही हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है

जी ध्यान अलैक्म सर सर वो मेरा बाद में आना वाला क्वेश्चन था बाद में गावी हंड्रेड कर दिया मैंने अच्छा 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 ठीक है ओके ये उसके नोट्स है आपने ये तीन नोट्स सिर्फ पढ़ लेने हैं नेक्स्ट चलते हैं बेटा मेडिकल अलाउंस अप एक्ट टेन परसेंट ऑफ द बेसिक सैलरी अलाउंस की बात आ गई अलाउंस की बात की टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हुई इट इज इन एडिशन टू मेडिकल फेसिलिटी और रीएमबर्समेंट इन अकॉर्डिंग विदर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये वही बात आ गई कम्बो केस आ गया जिसमें मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल फेसिलिटी भी है और मेडिकल फेसिलिटी कैसे है इन उस सूरत में वो जो है हमारा फुली टैक्सेबल होगा एग्जाम टेन परसेंट उसके ऊपर नहीं होगी ये आगे उसने समरी बना दी है की इस केसेस की समरी को आपने एक दफा पढ़ लेना है बेटा आप पूछे रेहान क्या क्वेश्चन आपका सर मैंने ये पूछना था सर कल आपने जब क्वेश्चन किया था उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ यूज़ किया uh, में, मैंने बनाया था, वो आप उसी में कर लेंगे सर ले। एक मेरा प्रॉपर्टी में से भी क्वेश्चन है एक जी सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर बनाकर दे तब तो भी हमने इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जिस डेट को ट्रांसफर करेगा

और एश हमने कन्वेंस पढ़ा था कार या व्हीकल हमने कार या व्हीकल के अंदर कहा था फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है और दूसरा हमने पढ़ा था टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू अगर सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए बेटा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ हैंड रेस किया है? अर्सलान ने डियर सलमान बेटा अस्सलाम सर वालेकुम अस्सलाम जी बेटा सर वो नोट्स जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो हमने एप्लीकेबल तब करने हैं कि जब टैक्सेबल हमने देखना है कि मेडिकल अलाउंस है अह मतलब

अब और इसी तरह अकोमोडेशन के अंदर हमने कंपैरिजन किया था 45 परसेंट ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी का ठीक है और नंबर टू फेयर वैल्यू या फिर अमाउंट डेट हैज बीन प्रोवाइडेड अमाउंट डेट इज प्रोवाइडेड अगर वो हम उसको यूज ना करते हैं। ये हमने कल पढ़ी अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ जो हमने कल अभी डिस्कस नहीं किया था उसको मैंने खुद भी थोड़ा सा किया था लेट अगर मुझे ये वहीकल है मैंने जॉब स्टार्ट किया लेटम जुलाई फर्स्ट जुलाई 2020 को मैंने की अपनी जॉब स्टार्ट ठीक है और मुझे जो कार है या वेहीकल उन्होंने दी है वो मुझे प्रोवाइड की गई है टैक्सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्वेश्चन ये तो राइज हुआ मैंने तो टैक्सियर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कार यूज किया सिर्फ मई और जून के अंदर दो माह तो क्या इस सूरत के अंदर भी मैंने फाइव परसेंट या टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट ही लेना है मतलब सारे का सारा ही मैंने अपनी टैक्सेबल इनकम ऐड करना है या कम अमाउंट करना क्योंकि अगर तो कार में पूरे साल भी तो शक्ल में लेकिन अगर मैंने कार एक माह यूज की या कंपनी ने जब मुझे कार दी वो चार माह यूज हुई या छह माह यूज हुई क्या उस सूरत में भी हमने फाइव परसेंट टेन परसेंट पूरे साल के लिए ले लेनी नहीं बेटा उस सूरत में हम क्या करेंगे इसको पोर्शन करेंगे नंबर ऑफ मंथ यूज की बेसिस पर मतलब अगर कार मैंने यकम मई 2021 को मिली है मतलब मेरे इस्तेमाल में कितनी है ये टू मंथ जस्ट टू मंथ तो मैं लेट अज्यूम करता हूं कि कोस्ट कार की जो कोस्ट है वो है 10 लाख रुपया और ये प्राइवेट पर्पज के लिए इसके लिए प्राइवेट पर्पज के लिए मेरे पर्सनल के लिए तो फिर कौन सा रेट लगेगा दस तो मेरी जो अब वहीकल अलाउंस होगा मेरी टैक्सेबल इनकम में एड वो आएगा ऑफ एक लाख ये एक लाख जो है अगर तो मैंने बेटा अपना कन्वेंस या कार पूरे साल के लिए यूज करता फिर एक लाख आना लेकिन अगर मैंने कुछ मंथ यूज किया है तो ये जो अमाउंट निकलती है ये पूरे साल के लिए अमाउंट निकलती है इस अमाउंट को अपोर्शन कर देंगे नंबर ऑफ मंथ की बेसिस पर वो क्या होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू और डिवाइडेड बाय बारह तो वो क्या आ जाएगा मेरा बेटा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टू वो मेरा टैक्सेबल इनकम में एड होगा ये बात थी वहीकल के हवाले से बात क्लियर हुई बेटा सब लोगों की ये अगर हमने गाड़ी नंबर ऑफ मंथ या पूरे साल के लिए हमें नहीं मिली हमने नहीं यूज की तो उस सूरत में जितने मंथ यूज किए होंगे हम उतने मंथ लेना फाइव परसेंट की है टेन परसेंट ही है ऑफ कोर्स या फेयर मार्केट वैल्यू लेकिन उसके बाद उसको क्या कर देंगे हम अपोर्शन कर देंगे यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं ओके इसी तरह अब मैं बात करूंगा अकोमोडेशन के ऊपर अकोमोडेशन में बच्चे फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ एम टी एस या फेयर मार्केट या अमाउंट डेट वो लेनी है तो बेटा इधर भी हम क्या करेंगे अगर हमें वो अकोमोडेशन पूरे साल के लिए नहीं मिली मतलब आठ माह के लिए मिली या छह माह के लिए मिली या चार माह के लिए मिली पूरा साल नहीं मिली तो उस सूरत में हम क्या करेंगे उसी सेम ये जो फार्मूला होगा हम इसको कहेंगे 45% फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ एम टी एस या क्या आएगा बेसिक सैलरी ये होगा पूरे साल के लिए अगर हमें अकोमोडेशन पूरे साल नहीं मिली तो हम इसको पोषण कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे जितने मंथ नंबर ऑफ मंथ जो हमें मिली अकोमोडेशन की और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा right. मतलब ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम उसने मंथ का निकाल लेंगे अगर दो मंथ यूज हुई है टू बाई ट्वेल्व कर देंगे अगर सिक्स मंथ यूज हुई है सिक्स बाई ट्वेल्व कर देंगे ये पार्ट वन फिर ऐसे निकलेगा ठीक है और पार्ट बी कैसे निकलेगा ये भी हम जितने मंथ हमने यूज किए, उतने मंथ की फेयर वैल्यू लेट वो कह रहे थे अगर ये आप अकोमोडेशन ना लेते तो कंपनी आपको दस हजार पर मंथ देती है अब दस हजार पर मंथ मिलना था इसका मतलब पूरे साल का एक लाख बीस हजार मिलना था, था लेकिन क्योंकि हमने वो घर में रहे ही चार माह के लिए या उस घर में रहे ही तीन माह के लिए तो हमने दस हजार मल्टीप्लाई बाय थ्री या मल्टीप्लाई बाय फोर करके फिर उस जो होगा मल्टीप्लाई बाय थ्री या फोर करके जो आंसर आएगा फिर इन दोनों आंसर को कंपेरिजन करना मतलब उस सूरत में हमने दोनों को ही क्या कर देना फिर कंपेरिजन ये बात बच्चे क्लियर हुई सबके लिए मुझे थम्स अप करके बताएं क्लियर है ये बात सिर्फ आठ नौ बच्चों को समझ लगी है ओके अब मैं सबके लोअर हैंड्स कह रहा हूं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेस करें जी मोमना सही ये तो फेयर अमाउंट वही है ना कि अगर हमने स्टे ना किया तो हमें पे करेंगे वो हाँ ये वही अमाउंट या उसकी फेयर वैल्यू भी हो सकती है बिल्कुल द अमाउंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ठीक हो गया तो सर तो सर यहाँ पर हम फिर नंबर ऑफ मंथ स्टे से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो यहाँ पर रहे ही हैं ओहो हो हो बेटा ये ये हमने लिया लेते नहीं है फेयर वैल्यू अकोमोडेशन ये जी सर अगर आप ये कह रहे हो हम रहे ही नहीं तो मैंने जो कंपैरिजन करना था फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ एमटीएस और द फेयर वैल्यू इफ या फिर वो अमाउंट अगर हम वहाँ स्टे ना करते तो हमें मिलती क्वेश्चन ये है हमने हमें अकोमोडेशन मिली है अगर अकोमोडेशन ना लेते तो हमें फिर कितने पैसे मिलते हैं ये वो पैसों की बात हुई okay, अगर अकोमोडेशन हमें ना मिलती अकोमोडेशन ना मिलती फिर कितने पैसे मिलते हैं ये वो है उसको हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं हम ये कंपैरिजन नहीं करते फेयर मार्केट वैल्यू और इफ द अकोमोडेशन है अगर हमने ऊपर अपने नंबर ऑफ मंथ ले लिया तो नीचे भी क्या लेंगे नंबर ऑफ मंथ ताकि कंपेरिजन जी 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 सर ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है ये जितने मंथ उसको पे किया ये वो है नहीं नहीं ये नंबर ऑफ मंथ वो है जितने मंथ हम उस घर में रहेंगे हमने उसे देखे ये अकोमोडेशन अकोमोडेशन क्या कंपनी मुझे दी अकोमोडेशन वो दे दी उसने यकम जनवरी से ठीक है इसका मतलब छह माह के लिए मिली मुझे अब क्या होगा mts 6 अब मैं मुझे मैंने जो घर यूज किया कितने मंथ के लिए किया 6 माह के लिए अब 45% ऑफ द बेसिक सैलरी तो आ जाएगा ये हो गया पूरे साल के लिए लेकिन मैंने घर कितने मंथ लिया मिला है मुझे 6 माह मैं उस घर में रहा या नहीं रहा दैट इज नॉट द पॉइंट मुझे घर मिल गया बात समझ लगी? जी सर इसका मतलब मैंने अब इधर क्या करना है मैंने 45% ऑफ mts लिया या बेसिक सैलरी लिया

Let, कर अगर तुम मेरे पूरे साल के लिए घर मिलता तो मैं फोर्टी फाइव परसेंट एम टी एस या बेसिक सैलरी लेता और फेयर मार्केट वैल्यू एक लाख दोनों का लेकिन yes, मुझे घर मिला छह के लिए मुझे घर मिला छह के लिए सिक्स इसका मतलब अब क्या ये एक एम्प्लॉय के लिए ज्यादा नहीं होगी ये जो बेनिफिट है ये बेनिफिट कितने के लिए पूरे साल के लिए

Yes. या इसको भी मल्टीप्लाई बाय सिक्स बाई ट्वेल्व कर देंगे अब कंपैरिजन करेंगे इन दो आंसर सर बेटा किसी भी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो हैंड इस करना अभी तक आ, आपकी नेक्स्ट मुझे पता है कोई क्लास नहीं है मैं इसलिए कल वाले क्वेश्चन जो है ना, आपके वो डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कल तक जो हमने किया है वो सारा हमारा क्लियर हो जाए किसी का कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए अगर किसी का कोई भी जेन के अंदर कोई भी चीज है तो वो आप हैंड रेस करके पूछ सकते नहीं तो अब हम आगे बढ़े जी रियालाकमल सर के एक दफर्म में फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात की जा रही सर, वो हमने आगे पढ़ना है ये न, सर ना अकोमोडेशन उसकी मैंने अभी उसका डिस्कस नहीं किया मतलब कोई हाउस हाउस होल्ड चीजें जो आपको हाउस होल्ड थिंग्स मतलब जिसके अंदर क्या चीजें आती हैं ये मैं चलो डिस्कस कर ही देता हूं एलईडी ठीक है फर्नीचर या और ऐसी चीजें जो प्रोवाइड की है यूज ने डेप्रिशिएॉई को साथ एलईडी फर्नीचर टीवी वगैरह भी लेके दिया हुआ है वो यूज के लिए अब अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उस रूल्स के अंदर कहीं पर हमारे होल रोल यूज के लिए फर्नीचर एलईडी टीवी डेप्रिशिएबल या ए लगवा के दिया हुआ यूज के लिए इसके रेलेवेंट हमने कोई केस नहीं पढ़ा हुआ तो इन चीजों का क्या करना है ना हमने पढ़ा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एड कर दो क्योंकि हमने पढ़ा नहीं तो उस सूरत में अब वो चीजें अब ये सारी कौन सी फर्नीचर एलईडी कौन सी चीजें डेप्रिशिएबल ये सारी डेप्रीशियबल है मतलब सारी डेप्रिशिएट होगी एलईडी की कोई लाइफ होगी पांच साल दस साल पंद्रह साल एसी लगा है एसी की कोई लाइफ है पांच साल दस साल और इसी तरह फर्नीचर वगैरह उसकी तो यूजफुल है ये वो चीजें हैं जो अदर तक अभी तक हमने डिस्कस की अगर देखा जाए ये एम्प्लॉयर ने दी है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर इसके ऊपर क्या कर रहा है क्योंकि ये एम्प्लॉयर की क्या प्रॉपर्टी है उसने यूज के लिए सिर्फ दी है एम्प्लॉय को एम्प्लयर की प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयर इसके ऊपर क्या ले रहा है वो चीजें जो डेप्रीशियबल है और इम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है जिसके अंदर ए सी में कहता हूँ टीवी की बात कर रहा हूं एलईडी की बात कर रहा हूँ फर्नीचर की बात करो अदर देन दोस्त थिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस जिनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्ला ने बता दी है ये उनके अलावा की बात है तो उस सूरत में जो डेप्रीशिएशन एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है वो असल में क्या है वो अमाउंट एम्प्लॉय की बेनिफिट है मतलब अगर मैं बात करूं एलईडी है मेरी एक लाख रुपए की ये एलईडी की वैल्यू आ गई ठीक है फर्नीचर मेरा आया पांच लाख का तीन लाख का समझे फर्नीचर तो मेरा टोटल जो वैल्यू जो मुझे मिली है लाख की है और अगर ये डेबल अमाउंट वाली चार लाख की चीजें इंप्लायर इसके ऊपर ट्वेंटी तो, तो ऐसी चीजें ऐसी चीज़ें यूज करने के लिए जो इंप्लाई का बेनिफिट है वो तो हुआ अब उस बेनिफिट में क्या अमाउंट एड करने है, उस बेनिफिट में ऐड करेंगे जो डेप्रिशिएबल इंप्लायर चार्ज करे वो अमाउंट मतलब एक लाख रुपया उसके बेनिफिट में या इनकम फ्रॉम सेलिंग में ऐड होगा बात क्लियर होगी बेटा यस yes, सर ये मैंने डिस्कस करना था अच्छी बात आपने याद करवा दिया। सर ये फर्निश अकोमोडेशन ना जी फर्निश ये मतलब जो फर्निश अकोमोडेशन के अंदर अगर उसने बताया है वो एलईडी दे रहा है उसके अंदर वो टीवी दे रहा है वो ये दे रहा है

इस पॉइंट के हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन ओके okay. अब हम चलते हैं नेक्स्ट यहां तक जो था हमारा पुराना ही डिस्कशन थी तो मुझे उम्मीद है अभी तक हमने कोई नई चीज नहीं की जो आपके पॉइंट्स से क्वेश्चन से हमने सिर्फ उनको डिस्कस किया और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आ, आगे आपकी कोई क्लास नहीं है मुझे उम्मीद है आप जरा डिसाड़ या मतलब थके नहीं अभी तक तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आज पेंशन जी बेटा शामी सर वो कहना सर नहीं है इतना बस कर हैं नहीं, नहीं ना, बे, बेटा हमने तो एक लफज एक चीज सिर्फ पढ़ी अभी डेप्रिशिए वाला हमने तो कोई नई नई चीज आज पढ़ी नहीं है सिर्फ दो चीजें पढ़ाने दे मुझे मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है okay. कोई कोई देखे ना कोई नई चीज पढ़ेंगे तो आप कल सीख के हम क्वेश्चन कर सकेंगे ना इस तरह तो हम पढ़ ही नहीं सकेंगे ठीक है पेंशन पेंशन क्या है हमने जो पढ़ा आफ्टर रिटायरमेंट जब हम अपनी इम्प्लायमेंट को छोड़ देते हैं रिटायरमेंट होगी आफ्टर रिटायरमेंट जो हमें मंथली मंथली पेमेंट्स मिलती है अपने एक्स इंप्लायर इंप्लॉयमेंट था मेरे छोड़ दी खत्म हो गई तो अब उसके बाद क्या हुआ ने मुझे पर मंथ पांच हजार दस हजार या आठ हजार देनी शुरू कर दी ये जो पेंशन है जो रिटायरमेंट के बाद एक्स इंप्लायर से मिलता है डेट इज अमाउंट जो मिलती है एक्स इंप्लॉयर से डेट इज पेंशन अब पेंशन का जो ट्रीटमेंट है एग्जाम फ्रॉम टैक्स लेकिन एग्जाम होने के लिए उसकी दो कंडीशन है बच्चे एग्जाम्शन मतलब ये जो हमारी पेंशन है दैट इज एग्जाम टैक्स लेकिन एग्जाम फ्रॉम टैक्स होने के लिए दो शर्तें नंबर वन हमने लेट मैं कहता ए मैं एबीसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में था मैंने एबीसी एबीसी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली ले, रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने यहाँ किसी एक्स वाई जी कंपनी में ज्वाइन कर ली इस सूरत में अगर मुझे एबीसी कोई पेंशन देती है वो पेंशन मेरी एग्जैम्ट है लेकिन अगर ए बी में मैंने फैसलाबाद में जॉब करा था एबीसी के ऑफिस में मैंने यहाँ से रिटायरमेंट ली और एबीसी का जो ऑफिस लाहौर में था सेम उसी के पास जाके किसी और ऑफिस में जॉब करने लग गया ऐसे सूरत में जो पेंशन मिलेगी वो हमारे लिए नहीं मतलब पेंशन के ऊपर एग्जाम अवेलेबल नहीं है या उस इंप्लायर के पास ना भी जाते उसकी कोई एसोसिएटेड कंपनी एसोसिएटेड कंपनी पड़ी है ना या एसोसिएटेड पर्सन जो हमने कंपनी ला के अंदर उसके पास जॉब पर चले गए फिर भी हमें जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन एग्जेप्ट नहीं होगी इसका मतलब क्या है अगर हमने किसी एम्प्लॉयर को छोड़ा है कहीं से जॉब छोड़ी है वहां से पेंशन आ रही है तो ये जरूरी है कि हम उसके पास दोबारा कोई जॉब ना करें या उसकी किसी एसोसिएटिव कंपनी के पास जॉब ना करें अगर इन दोनों में से एक चीज भी होगी तो जो पेंशन हमें मिली है वो पेंशन एग्जेप्ट नहीं होगी वो टैक्स होगी अदरवाइज पेंशन क्या है एग्जेम है

इसका नंबर सेकंड पे इफ अ पर्सन रिसीव मोर देन वन पेंशन देन एग्जेंप्शन शैल अप्लाई ओनली टू द हायर ऑफ सच पेंशन इसकी मिसाल क्या मैं अभी एक केस छोटा सा बनाता हूं मैं एबीसी में लिमिटेड में जॉब कर रहा था वहां मैंने फाइव इयर्स जॉब की फाइव इयर्स और उसके बाद में लेफ्ट कर गया छोड़ गया और नेक्स्ट में चले गया लेफ्ट करने के बाद एक्स एक्स वाई वाई में छोड़ इधर मैंने ईयर जॉब की एक्स, वाई, जी और एबीसी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब एसोसिएटेड कंपनी नहीं टेन ईयर जॉब की और फिर मैं लेफ्ट कर गया और लेफ्ट करके मैं चले गया अल्फा लिमिटेड ये तीनों इंडिपेंडेंट कंपनी तीनों का आपस में कोई ताल्लुक अल्फा लिमिटेड ठीक है एबीसी में क्योंकि जॉब कर रहा था यहां से मुझे पेंशन आ रही थी फाइव थाउजेंड पर मंथ जब एक्स वाई जी से मैं जाना शुरू हुआ यहां से भी मुझे पेंशन आनी शुरू होगी वो आने लगी सेवन थाउजेंड पर मंथ वो कह रहा है इस तरह जब आपको मोर देन वन कंपनी या मोर देन वन पेंशन मेरी एक पेंशन ये मेरी है और एक पेंशन ये मेरी तो इस सूरत में दोनों पेंशन एग्जेप नहीं है सिर्फ एक पेंशन एग्जाम होगी जो इन दोनों में हायर है वो सात हजार एग्जेम हो जाएगी और जो पांच हजार है ये क्या बन जाएगी हमारी टैक्सेबल बाकी इसका मतलब एक परसेंट जिसकी एज कोई भी है अगर वो पेंशन ले रहा पेंशन उसके लिए एग्जैम्ट है वो पर्सन उसी के लिए या उसके किसी एसोसिएट के साथ जॉब ना करे अगर जॉब करता है फिर पेंशन मिल रही है तो वो फिर टैक्सेबल है नंबर टू अगर एक पर्सन को मोर देन वन पेंशन रिसीव हो रही है तो उसकी जो हायर अमाउंट वाली पेंशन है वो क्या हो जाएगी एग्जेप्ट हो जाएगी और जो लोअर अमाउंट वाली पेंशन है वो क्या है टैक्सेबल हो जाएगी मतलब दो में से सिर्फ एक पर मिलेगी एग्जेपन अगर उसको तीन में तीन में रहे, भी सिर्फ एक पर मिलेगी जो बाकी दो है वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल मे भी इसके पास एक थर्ड ओवर है उसके वहां से मिल रहा है तीन हजार उस सूरत में भी क्या होगा सिर्फ एक्जाम होगी सात हजार तीन हजार भी टैक्सेबल और पांच हजार भी टैक्सेबल ये इसका कह रहा है और साथ ही वो इधर एक नई बात लिखता है अगर तो कोई पर्सन साठ साल सिक्सटी ईयर तक है 60 से नीचे, उसके ऊपर ये सारे रूल एप्लीकेबल जो हमने पढ़े अभी मतलब वो लेकिन तो वो, एक एक वो कहता है अगर पर्सन मोर देन सिक्सटी ईयर का मोर देन सिक्सटी ईयर का है तो उसकी हर तरह की पेंशन हर तरह की पेंशन क्या होगी एग्जाम

ग्रेचुअटी एंड कॉमोटेशन पेंशन ग्रेचुअटी क्या है फर्क क्या है ग्रेचुअटी एक बेटा फिक्स अमाउंट होती है फिक्स अमाउंट से बरात जब आप रिटायरमेंट लेते हैं या जॉब छोड़ते हैं तो उस सूरत में आपको अमाउंट मिलती है फिक्स अमाउंट मतलब दस लाख पंद्रह लाख बीस हजार एक दफा मिलेगी वो फिक्स अमाउंट फिक्स है हर एक एम्प्लाई इंप्लाइड टू इंप्लाई डिफर करती है एक अमाउंट मिलती है डेट इज है वो ग्रेचुअटी और पेंशन क्या होती है पेंशन हर मंथ मिलती है एवरी मंथ पेंशन मिलेगी एवरी मंथ ग्रेचुअटी मिलेगी रिटायरमेंट के ऊपर एक दफा ही फिक्स है। अब वो फिक्सुटी का जो है, उसके बारे में कहता इंप्लाइ, ठीक है अगर गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट एम्प्लॉय को कोई भी ग्रेचुअटी मिलती है किसी भी किस्म की तो ग्रेचुअटी क्या होगी फुली एक्ट मतलब अप्रूव ग्रेचुअटी फंड बाय द कमीशन अब ये जो ये जो प्रो फंड है कहने का मतलब ये अब जो प्राइवेट वाले होंगे वो किसी ना किसी ग्रेचुअटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ एम्प्लॉय का पैसा पड़ा रहता है और वहां उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है तो जब इम्प्लाय एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो उसको उसमें से पैसे निकाल के दे दिए जाते हैं उसकी ग्रेचुटी के तौर पर कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में सेव होते हैं ठीक है अगर कह रहा है वो ग्रेचुटी फंड जो उनसे अप्रूव है प्राइवेट की शक्ल में और प्रूफ किसने किया हुआ कमिश्नर इनलैंड लैंड रेवेन्यू मतलब सीआईआर आई आर ने सी ने तो उस सूरत में जो ग्रेचुटी अमाउंट इंप्लाई को मिलेगी वो क्या होगा एग्जेम्प्ट होगा कहने का मतलब क्या है मैं एबीसी लिमिट या टिप्स में जॉब कर रहा हूँ ठीक है प्राइवेट कंपनी टिप्स ने एक ग्रेचुटी प्रोग्राम चलाया हुआ है

इसमें हमने उसने ये नहीं नाम देना क्वेश्चन के अंदर कि ये वाली ग्रेचुअटी स्कीम आप खुद जज करो अप्रूव बाय दी आई आर है ये वाली स्कीम आप खुद जज करो अप्रूव बाय द बोर्ड है वो क्वेश्चन के अंदर आपको बताएगा फॉर्म अप्रूव ग्रेचुअटी फंड बाय कमिश्नर इन दू या वो बताएगा मिस्टर हजरत से पांच लाख एज ग्रेच्युटी बाय अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम बाय बोर्ड मतलब वो बताएगा स्कीम बाय बोर्ड में है या स्कीम फंड uh, जो है प्रोब बाय कमिश्नर है तो उस सूरत में क्या होगा हमें तीन लाख ,00 तक एग्जम्प्ट होगी इसकी मिसाल कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हो गया हमारा एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम हो गया नंबर टू अप्रूवड बाय सी आई आर कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू एग्जैम नंबर थ्री क्या आ गई स्कीम है अप्रूव्ड है लेकिन सीआईआर से नहीं किससे बोर्ड से वो बताएगा क्वेश्चन अब एग्जाम होगा कितने तक एग्जाम अप टू तीन लाख इसका मतलब क्या अगर मिस्टर ए को आठ लाख रुपया ग्रेचुअटी मिली और ग्रेचुअटी मिली कहां से अप्रूव बाय बोर्ड वाले से स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड से तो क्या होगा हम लिखेंगे ग्रेचुअटी रिसीव कितनी हुई है हुई है हमारे पास आठ लाख एग्जाम कितनी होगी तीन लाख और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा पांच लाख वो क्या आ जाएगा टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा इस तरह ठीक है ये था नंबर थ्री केस और नंबर फोर ये अदर केसेस इसका मतलब इसके अलावा जो भी ग्रेचुअटी मिलेगी जो भी ग्रेचुअटी मिलेगी वो किसमें फॉल करेगी

थर्ड मैं फोर केस भी इसका बना देता हूँ मैं कहता तो हूँ आठ लाख ही मिली है ग्रेचुटी लेकिन ये आठ लाख जो मिली है कहां से मिली है अन से अन अप्रूव से तो मैं क्या करूंगा ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी हुई है मेरे पास रिसीव्ड हुई है बेटा आठ लाख और एग्जेम्पन मिलनी है मुझे फिक्स अमाउंट कितनी है सेवेंटी नंबर वन नंबर टू क्या आएगा फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्रेचुटी वो कितनी आ गई चार लाख अब इन दोनों में से इन दोनों में से जो लोअर है वो मुझे एक्सेप्शन है लोअर विल बी एग्जेप्ट ठीक है इसका मतलब पिहत्तर हजार मुझे मिलेगा एग्जेपन और बाकी जो सात लाख पच्चीस हजार है वो मेरी टेक्स सेवल इनकम में

और फिफ्टी परसेंट ऑफ द अमाउंट रिसीव और है, लोअर इन दोनों में से जो कम है, तो वो क्या हो हमें अब, ये सिर्फ पॉइंट नंबर फोर के लिए ऊपर वाले तीन के ऊपर नहीं है ये मजीद एक्सप्लेनेशन है पॉइंट नंबर फोर की सिर्फ ये पॉइंट नंबर वन टू थ्री के ऊपर नहीं है

ला पढ़ा कैफ थ्री कैफ थ्री के अंदर हमने डायरेक्टर्स पढ़े हैं डायरेक्टर्स के अंदर हमने पढ़े थे एग्जेक्टिव डरेक्टर नॉन एक्जेक्टिव डायरेक्टर्स और इम्प्लाइज ऑफ कंपनी कहते हैं अगर कोई नॉन एक्जेक्टिव डायरेक्टर है मतलब वो कंपनी के कोई अफेयर्स में काम नहीं ले रहा और सिर्फ डायरेक्टर कंपनी का उसको ये ग्रेचुअटी मिलती है तो वो ग्रेचुअटी के ऊपर अवेलेबल नहीं है एनी पेमेंट रिसीव बाई नॉन रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को ग्रेचुटी मिलती है फोर्थ पार्ट के अंदर वो भी क्या होगा हमारे लिए उसको कोई भी उसके ऊपर हम एग्जामेशन नहीं देंगे एनी ग्रेचुटी रिसीव बाई द इम्प्लॉयी रिसीव एनी ग्रेचुटी फ्रॉम द सेम और अदर इम्प्लॉय मतलब मैं टिप्स मैं काम कर रहा था किसी एबीसी कंपनी में मैंने एबीसी कंपनी को लीव किया

या किसी भी और एम्प्लॉय से तो उस सूरत में ये जो एग्जन है ये एग्जन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी और आपकी जो ग्रेचुअटी है सारे की सारी टैक्सेबल होगी इसका मतलब ये ये पॉइंट लिखे हुए एप्लीकेबल है, है सिर्फ इसके लिए इस अदर केसेस के लिए ऊपर के लिए ये फोर पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है ये अगर कोई चीज इसमें फॉल कर जाती है नीचे वाली चीजों के अंदर तो ये जो एग्जन हमने इधर नोट की है एग्जन अप टू 75,000 50% ऑफ द अमाउंट सीवेबल, विच एवर इज लोअर वो एक्सेप्शन फिर इन केसेस के अंदर नहीं मिलेगी और ग्रेच्युटी सारे की सारी टैक्सेबल है अब बेटा यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो वह एड्रेस कर सकते बस इतना कर ले हमने इससे आगे नहीं पढ़ना आज सबको समझ लगी है थम्स अप करके बताएं बेटा मुझे जहां से हैंड रेस करते हैं वहीं से थम्स अप का ऑप्शन भी है वहां से बताएं आपको क्लियर हुई है रियाज शेख और अब्दुल मनान अगर तो आपका क्वेश्चन है तो बेटा हैंड रेसरा नहीं दे अगर क्वेश्चन नहीं है तो हैंड जो आप ड्रोन कर लें जी रे आपकुम सर वालकुम बेटा सर पेंशन और कॉम्बोटेशन और पेंशन में क्या डिफरेंस है ओके अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मैं अमीर इसी क्वेश्चन की कह रहा था कोई बच्चा मुझसे ना ये क्वेश्चन पूछे जो पेंशन होती है बेटा हमने कहा था वो पेंशन क्या है हर मंथ मिलती है ऐसे ही है जो कॉम्बोटेशन ऑफ पेंशन होती है ना इसका मैं फॉर्मूला नहीं आपसे डिस्कस करूंगा ये कैसे निकलती है क्या है क्या नहीं इसका सिर्फ आपको दूंगा जिससे आप इसको समझ सकते आठ साल दस साल पंद्रह साल के लिए पेंशन मिलनी है जब तक आपकी जिंदगी उस देर तक पेंशन मिली आपको लेट अगर मैं ज्यूम कर उसने कहा आपको पंद्रह साल के लिए पेंशन देंगे फिफ्टीन ईयर्स के लिए पेंशन देंगे ठीक है बात यहां तक समय लगे

बाकी की आप इसी तरह पेंशन देते रहे हर मंथ हर मंथ हर मंथ वो जो अमाउंट जो चार लाख या पांच लाख उस पेंशन में से स्टार्ट में मिल जाएगी इकट्ठी दैट इज कॉमोटेशन ऑफ पेंशन और जस्ट लाइक ग्रेचुअटी की ही ग्रेचु तरह है लेकिन क्या है उसमें उसका जो सीक्वेंस है वो सारा कुछ सेम है इसलिए उसने दोनों को सेम नाम लिखा है जो पर मंथ पेंशन में दी है उसके ऊपर ये प्रीवियन अप्लाई होगी ठीक है जहां पर आप कॉमोटेशन ऑफ पेंशन में देगा वो उसका मतलब क्या है एक फिक्स अमाउंट थोड़ी सी हमें स्टार्ट में मिल रही है उसके ऊपर फिर ये वाली अप्लाई क्लियर होगी बेटा यस ओके और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क में एक दो क्वेश्चन देने हैं मैंने

समझे अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन कोई चीज आपकी आती है इसके अंदर तो आपने उसके हवाले से डिस्कस करनी है होमवर्क के अंदर जो आपका एक किस्म का काम होगा वो ये होगा मतलब नोट्स यहां तक आपने कोशिश करनी है कंप्लीट एक दफा रिवाइज कर लो और इसके अंदर अगर कहीं कोई पॉइंट या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे और अमीद है मैं शाह आज या कल आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ सब बच्चों से ये आपके ही फायदे के लिए आप क्वेश्चन को किया करें अगर आप करेंगे तो फिर आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे अदरवाइज आप वहाँ कन्फ्यूज होते हैं आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़